राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले बड़ी ज़ोर से माता रानी का जयकारा, ठीक है सभी को। और आज दुर्गाष्टमी है, तो मतलब ये पहले का व्लॉग है, एक दिन पहले बनाना पड़ता है ना, तो आज माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं हम। और ये नवरात्रे बहुत ही शुभ निकले, भगवान ऐसे ही हर साल नवरात्रे जाने चाहिए। तो जी यहाँ पे ये क्या है ना, मंदिर थोड़ा सा दूर है महेंद्रगढ़ से, लेकिन प्लान बन गया इनकी, इनको शाम को मतलब छुट्टी थी इनकी, शाम को पढ़ाने नहीं जाना था आज, मेरे लिए छुट्टी कर ली थी इन्होंने। तो मुझे बाद में पता चला, काफ़ी खुशी हुई कि इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो ये देखिए यहाँ, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ मुझे यहाँ आके मिल गया। मैंने आज तक कभी लाइफ में डांडिया नहीं खेला था और मुझे आता भी नहीं, और यहाँ पे आके थोड़ा सा बेइज्जती भी महसूस हो रही थी, लेकिन बाद में जब देखा ना सबको, सब मेरे जैसे थे यार, आमतौर पर सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। उसको कोई मतलब किसी भी आर्ट के अंदर कोई भी कम ही व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल कुशल होते हैं, जो मतलब जिनको बिल्कुल अच्छे से करना आता है, लेकिन बाकी सब लोग नॉर्मल होते हैं। तो बस आज तक जो डांडिया सिर्फ फिल्मों में देखा था, वो दोनों डांडिया क्या, ये इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इन लकड़ियों को, ये भी मतलब पहली बार ही देखी थी मैंने, तो इनसे मैंने हाथ मिली मतलब पहली बार ये, तो काफ़ी खुशी हुई। और यहाँ देखिए पूरा बिल्कुल बुजुर्ग जो आंटियाँ हैं वो भी खेल रही हैं, तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि सब लोग अपने खुद के घर जैसे लग रहे थे। और जो महंत जी हैं ना यहाँ की, ये भी मुझे इतनी प्यारी लगी, बस क्या बताऊँ मैं इनके बारे में। क्या है कि हम आमतौर पर देखते हैं कि हर जगह पर सिर्फ मतलब जेंट्स लोग ही होते हैं, चाहे माता का मंदिर हो, चाहे मतलब भगवान जी का मंदिर हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये वहाँ पे थे, थोड़ा और ज़्यादा अपनापन लगा। तो बस जैसा आता था वैसा खेलने लग गए, और बहुत हंसी आई एक दूसरे को देख देख के। और पता है गाना भी कौन सा चल रहा था, हे नाम रे जग में बड़ा तेरा नाम, ओ सिरो वाली ऊंचे डेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे हो नाम रे। तो इस गाने को सुन के और थोड़ा सा मन में उमंग सी आ जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे सभी के, मेरे हिसाब से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके काम बिगड़े हुए नहीं हो, मतलब लाइफ ही ऐसी है, किसी ना किसी की लाइफ में, सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, हाँ डायनासोर। और यहाँ पे मैं जब व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये यस्सु देखिए, ये बीच बीच में मेरे को परेशान कर रही है। और हाँ एक बात कहनी थी मुझे आप लोगों से, और कौन कौन मेरे जैसा डांडिया खेलता है, और यहाँ पे जितने भी हैं सब मेरे जैसे खेल रहे हैं, फिर भी कोई एक आधा हो सकता है जो मेरे जैसा और भी इतना अच्छा खेल रहा हो, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अगली बार से फिर मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे से सीखूंगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा वाकई में, दिल खुश हो गया आज। और मैं यहाँ पे यस्सू के साथ और यस्सू के पापा के साथ गई थी, मतलब कि बाबू को नहीं ले जा पाए क्योंकि एक तो रात थी, और फिर आपको पता ही है मेरे हाथ ज़्यादा देर तक ये बाबू को पकड़ के लेके कैसे चलूँ मैं, तो इसलिए मम्मी पापा ने कहा कि बाबू को रहने दो, शाम का समय है वैसे भी, तुम लोग चले जाओ। तो जी अभी आज है कन्या पूजन, क्या है कि नवमी को करते हैं हमारे, तो बस अभी सुबह हो चुकी है, मतलब ये नेक्स्ट डे की है,
और यशु को भी तैयार कर दिया है। और मतलब कन्याएं तो मिलती हैं नहीं, तो सभी की प्लेट्स लगा दी हमने।